नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी आपको अपना चैनल ग्रीन धातु का स्वागत करता हूं। आज हम नसिया जैन मंदिर में हैं पार्शनाथ में, और आज यहां हम वृक्षारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही टीम साथ में है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मैं हरिद्वार सोसाइटी का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते आमजन को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हरिद्वार सोसाइटी ने इस सत्र 5000 बड़े छायादार पौधे भरतपुर शहर में लगाने का एक संकल्प लिया है। उस कड़ी में सर्वप्रथम सोसाइटी के द्वारा सुभाष नगर शमशान घर में 65 पौधे, अपनागर स्वास्थ्य मंदिर स्वास्थ्य मंदिर 31 पौधे, इसके अलावा मल्टीपर्पज स्कूल 75 पौधे, और आज इस पार्शनाथ जय दिगंबर मंदिर में 51 पौधे लगाने का कार्य किया गया है। सोसाइटी का ये संकल्प है कि इस साल जो भी वृक्ष सोसाइटी लगा रही है वो पौधे सिर्फ एक औपचारिकता मात्र ना रहें, ये पौधे आगे चलकर एक बड़े वृक्ष का रूप लें और शहर में हरियाली का एक जरिया बन सके। हमारा पौधे लगाने का जो चयन करने का जो मकसद रहता है वो ये है कि हम ज़्यादातर वो इन्हीं वृक्षों का चयन करते हैं जो क्षेत्रीय हों और जिनमें गुल और फल, इस तरह के फल आते हों जिनको पक्षियाँ भी खा सकें, और प्रकृति में जब तक पक्षियाँ नहीं रहेंगे तब तक प्रकृति का एनवायरनमेंट भी कैसे सुरक्षित रहेगा, और इन पौधों की लाइफ भी ज़्यादा है, इसीलिए प्रकृति सोसाइटी इन पौधों का चयन करती है। भाई ये जरूरी है, इस गमले के अंदर पहले एक पेड़ लगा हुआ था और इसको हटाकर दूसरा नया प्लांट लगाया गया है। इसमें ये देखिए, यहाँ पार्शनाथ जैन मंदिर के अंदर पुराना पेड़ लगा हुआ था इसमें, और हमारे स्वतंत्र जी ने कहा है कि इसमें से पुराने को हटा के और नया प्लांट इसमें लगा दिया गया है। बस मिट्टी लगाएंगे जी। हमने शर्मा जी हमारी कटिंग करते हुए प्लांट की, और ये कम से कम 10-12 फुटी प्लांट है कदम का। इसमें वो प्लांट पहले सूख गए थे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ ये प्लांट सूख सा गया है। ऐसे प्लांट जो बिल्कुल सूख गए हैं और बिल्कुल हट गए हैं वहाँ, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। यहाँ ये भी जामुन गया, देखो उन्होंने कर दिया ना, ऐसा सीधा पूरा सेट ऐसे करना पड़ेगा। पेड़ जो है सूख रहे हैं उस हिसाब से, ये जो इसका जो ये एंगल दिख रहे हैं साइड का गड्ढा, इस वजह से पानी भर गया और अधिक पानी की वजह से प्लांट सूख गया। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस गड्ढे को ही भर रहे हैं, जैसे कि आप साइड में देखा ये है, इसको पूरा नॉर्मल सेट कर दिया, इससे पानी इसमें भराव ना हो और प्लांट इसमें बचे रहें। हमारे साथ इधर करते हुए मेहनत, अपनी पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये जामुन का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ एक प्लांट नीम का लगा दिया गया है रिप्लेस करके, और ये हमारे मुकेश कुमार जी WO सरसों अनुसंधान निदेशालय जी के द्वारा मेहनत की गई है इसमें। और एक प्लांट ये लगा रहे हैं हमारे सतेंद्र जी, और ये श्रम दान करते हुए प्लांट आराम से लगाओ सर, लड़कने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये अशोक का पेड़ था और ये जो पेड़ है अधिक पानी की वजह से बिल्कुल गल गया, फंगस लग गया, सूख गया है, इसके रिप्लेस कर नीम का पेड़ लगाया गया है। आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो नीम पीपल का पेड़ लगा सकते हैं।
बल्लियाँ पड़ी हैं, बल्ली लगा जाएगी। और हमारी महिला मंडल भी हमारे बिल्कुल साथ दे रहे हैं, ये लगे हुए हैं महिला मंडल हमारे। अब मैं आपको बताऊं, सुनो, बिल्कुल ये मेहनत में लगे हुए महिला मंडल और इस गड्ढे को भरते हुए, अधिक पानी भरने की वजह से प्लांट जहाँ सूख गए हैं और यहाँ प्लांटों की जगह दूसरे प्लांट लगाए गए हैं। हमारे सर बहुत ही कर्मठ हैं और हर प्लांटेशन में हमारे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और कल यहाँ आए थे और यहाँ पर ये गड्ढा खुदवा के गए हैं और इनका रूपरेखा लेके गए हैं ये। और